कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और हमारे इस चैनल में इस वीडियो पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कल काउंसलिंग हुआ था और बहुत सारे स्टूडेंट ने काउंसलिंग लिया, जिसमें से कि 900 सीटों में से करीब 3000 के आसपास स्टूडेंट आए थे, उन्होंने एडमिशन लेने की प्रयास किया और बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जी हाँ, डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो सागर में स्थित है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसी की बात कर रहे हैं। जैसे कि कल काउंसलिंग हुआ था गुरुवार को 7 तारीख को, और उसमें काउंसलिंग में 39 जगह काउंसलिंग था हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग। दोस्तों, सैनिटाइजर मास्क से विशेष तर ध्यान रखा गया, हर एक प्रकार की फैसिलिटी की सुविधा देने की कोशिश की गई विश्वविद्यालय द्वारा। अब देखते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इस वीडियो का मेन मोटिव हमारा ये बनाना है कि उसका रिजल्ट कितना है, खाली सीट कितना है, तो दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे और कि विश्वविद्यालय में सब कुछ तो अच्छा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश लिए थे, बट ऑफलाइन के माध्यम से भी आए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि ऑनलाइन में बहुत समस्या हो रहा है तो ऑफलाइन करवाइए, तो ऑफलाइन हुआ। मगर ऑफलाइन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए, जैसे कि हम देखें कि फीस सबमिट के बारे में बात करूँ, फीस यानी शुल्क भुगतान की, तो दोस्तों शुल्क भुगतान फीस में भी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे स्टूडेंट सेंट्रल ऑफिस के चक्कर काटते रहे, इधर उधर घूमते रहे, प्रॉब्लम में फंसे रहे, मगर फीस की पोर्टल नहीं खुल रही थी। तो दोस्तों, फीस का पोर्टल ये है कि शुक्रवार को भी, आज भी आप उसका फीस सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, आप शाम तक फीस सबमिट कर दें, जिसमें से कि अगर शाम तक में अगर रिजल्ट आ जाए, कहने का मतलब कि कितने सीट अभी बाकी है और कितने सीट कितने स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है, तो क्योंकि जो 7 तारीख को काउंसलिंग हुआ उसका, और जिसमें से जो 9 तारीख को काउंसलिंग होने वाला है, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि हाँ कितने सीट अभी बाकी है और कितने सीट भर चुके हैं, तो उस हिसाब से 9 तारीख को काउंसलिंग होगा। तो यह है कि आप लोग फिर सबमिट कर सकते हैं, कल नहीं कर पाए थे तो आज कर सकते हैं, जल्दी जाइए फीस सबमिट करिए। और दोस्तों, फीस सबमिट कर देंगे तो आपका जगह बन जाएगा, और कितने अभी सीट बाकी है, कितने भरने वाले हैं, ये हमारे चैनल में आपको मिलता रहेगा कि किसका किसका एडमिशन हो गया, किसका रिजल्ट फाइनलिस्ट, जो कि आज शाम तक में आ सकता है ना, और आज शाम को नहीं आएगा तो कल तो आ ही जाएगा। तो हमारे चैनल में साथ जुड़े रहिए और वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि डॉक्यूमेंट कब तक जमा करना है, तो डॉक्यूमेंट 15 जनवरी तक जमा करना है, आप कभी भी जमा कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि काउंसलिंग के दिन गए थे 7 तारीख को यूनिवर्सिटी, तो वो बोले हमारा डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ, तो दोस्तों मैं उनका भी क्लियर कर दूं, जैसे कि वो स्टूडेंट कल गए थे डॉक्यूमेंट जमा करने, बट जितने टीचर और सर थे, तो सर टीचर मैम लोग थे, तो वो पूरे काउंसलिंग में बिजी थे, इसलिए आपकी डॉक्यूमेंट नहीं जमा हो पाए डिपार्टमेंट में, है ना। तो ये है, और साथ ही अगर हम और बात करें तो बहुत सारे बात करेंगे क्लास के बारे में, तो क्लास की जैसे कैसे ज्वाइनिंग करना है तो हम ऑलरेडी बता देंगे आपको। बात यह है कि जैसे ऑनलाइन क्लास की, तो ऑनलाइन क्लास की जो है कि हमारे चैनल से आपको लिंक मिल जाएगा उसका, क्लास कब से ज्वाइन करना है, कैसे कैसे ज्वाइन करना है, और साथ ही मैं बता दूं कि या तो सभी स्टूडेंट के उसमें मोबाइल में मेल आएगा या मैसेज आएगा, या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डल जाएगा कि कब से क्लास स्टार्ट होना है, कैसे कैसे ज्वाइन होना है। यही है कि आप थोड़ा न्यूज़पेपर देख लें, न्यूज़पेपर में कहाँ कैसे बताया गया है, जैसे कि मैं कल जो बताया था वही न्यूज़पेपर वाले लग रहा है उठा के और डाल दिए हैं, तो आप लोग देखिएगा और वीडियो कम्प्लीट लास्ट तक वॉच करिएगा। हम मिलते रहेंगे ताज़ा अपडेट लाइव जानकारी के साथ। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है पोर्टल में खराबी से फीस भरने परेशान हुए विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, ये फीस भरने में प्रॉब्लम आई है बहुत सारे स्टूडेंट को, जैसे कि आप आगे देख सकते हैं कितने सीट भरी, अभी फुल हो चुकी है, भर चुकी है, और कितनी अभी खाली है, यानी कि कितने अभी वैकेंसी सीट अभी उपलब्ध, खाली है, आज चलेगा पता। ठीक है, तो आज पता चल जाएगा कि कितने भर चुके हैं और कितने अभी सीट खाली हैं काउंसलिंग के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हाँ
काउंसलिंग होने वाला है और काउंसलिंग हो भी चुके हैं विश्वविद्यालय हैं, जो कि ये मैं बता दूं कि 900 सीटों पर दाखिल के लिए 3000 विद्यार्थी लिए प्रवेश, जो कि अंतिम मौका था। और सीट की जारी वेबसाइट पर 9 जनवरी को प्रवेश, यानी कि 9 जनवरी को एक और काउंसलिंग होने वाली है, उससे पहले कि यहाँ आप देख लें 9 जनवरी से काउंसलिंग होने से पहले। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौरमेट के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग शुक्रवार को ऑफलाइन माध्यम से हुई। काउंसलिंग की प्रक्रिया में हिस्से लेने के लिए करीब 3000 विद्यार्थी विश्वविद्यालय पहुँचे, जिसमें से करीब 39 जगह यानी कि स्थान पर काउंसलिंग हुई। सबसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग में हुई दिक्कत के बाद विद्यार्थी दूसरे चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग की मांग कर रहे थे, है ना। जैसे कि विद्यार्थी दूसरे चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग की मांग कर रहे थे, फिर क्या हुआ कि मांग तो की मगर ऑफलाइन, मतलब कि उसमें क्या हुआ कि विद्यार्थी ऑफलाइन होने के बाद भी विद्यार्थी दिक्कत में नहीं आए। कहने का मतलब कि उसमें फीस भरने में परेशान हुए, प्रॉब्लम हुए विद्यार्थी, है ना, और सेंट्रल ऑफिस का चक्कर लगाए, ठीक है, चक्कर लगाते लगाते कई बार थियों ने शुल्क भुगतान का पोर्टल नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों यह रहा कि मतलब अभी उसका मतलब कि कहा जा रहा है कि आज ही फीस भरने की निर्देश दिया गया है, यानी कि जिस दिन काउंसलिंग था। तो पोर्टल की परेशानी के कारण रात 8 बजे तक एडमिशन सेल यह बताने की स्थिति में नहीं थी कि दूसरे चरण की काउंसलिंग की कुल कितने विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया और कितने सीट अभी खाली है। तो दोस्तों यही है कि कितने सीट अभी खाली हैं अभी किसी ने बताया नहीं है, जो कि 9 तारीख को यानी कि 8 तारीख को शाम तक में आ सकता है तो कितने सीट अभी खाली है। उन्हें शुक्रवार को यानी कि तकनीकी समस्या के कारण जो विद्यार्थी फीस नहीं भर पाए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि तकनीकी समस्या के कारण जो विद्यार्थी फीस नहीं भर पाए हैं, उन्हें शुक्रवार का समय भी फीस जमा करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी अभी फीस सबमिट नहीं कर पाए हैं वो शुक्रवार तक सबमिट कर सकते हैं। ऐसे ही कुल कितने सीट खाली हैं और कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है उसकी जानकारी शुक्रवार को भी हम अपने चैनल में बता देंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों एक और ये है कि मतलब यहाँ एक और लिखा है कि सुबह, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सुबह 10 बजे से हुई रिपोर्टिंग, देश भर में आए छात्र सैनिटाइजर के बाद ही काउंसलिंग। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे, ये सब हमने बताया था, आप देख पा रहे होंगे कि 11 बजे तक स्टूडेंट आए, है ना, 11 बजे के बाद भी आए और उन्होंने 29 जगह में, यही सब दुनियादारी है, तो आप लोग देखिए।